हेलो बच्चों, मैं ओमबीर जिंदर हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th का टॉपिक। बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं अपरेंट वेट ऑफ मैन इन एलिवेटर और लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट के अंदर तब लिफ्ट मूव करती है तो किसी भी इंसान को अपना वजन कम या ज्यादा फील होता है लिफ्ट के ऊपर या नीचे मूव करने से। तो वो वजन कितना कम या ज्यादा फील होता है, या वो क्यों कम या ज्यादा फील होता है, या ऊपर जा रहे तो ज्यादा फील होता है या नीचे जा रहे तो ज्यादा फील होता है, पूरी की पूरी सिचुएशन, पूरी की पूरी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। इससे पहले हमने क्या क्या सीख लिया था, तो लॉज ऑफ मोशन हमने सीख लिया था, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, मोमेंटम के बारे में बातें की थी, कंजर्वेशन की बात की थी, रिकॉयल ऑफ गन पढ़ा था कि जब गोली चलती है तो कैसे उसमें रिकॉयल होता है, वो सारी बातें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, वो सभी टॉपिक का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर। तो आइए आज इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। भाई बड़े ध्यान से समझेंगे हम चीजों को। जैसे मान लीजिए इस लिफ्ट के अंदर मैं यहां पे एक लिफ्ट बना रहा हूं, है ना। आपने यात्रा की होगी लिफ्ट में कभी, तो यार तो अगर वहां पे आप उसके यात्री रहे हैं तो ऐसे कुछ होता है, वो जो गार्ड रस्सी से बंधा होता है कहीं, और फिर वो पूरे का पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा होता है ना। तो ठीक है, अब उसके अंदर मान लीजिए कोई बंदा खड़ा हुआ है, कोई इंसान खड़ा हुआ है जैसे, और वो जो इंसान कोई खड़ा हुआ है, तो भाई साहब उस इंसान का वेट वगैरह की मुझे बात करनी चाहिए। तो वो किसी वेटिंग मशीन पे खड़ा है फॉर एग्जांपल। अब जो उसका बेसिकली वेट है, दैट वेट इज एमजी। अगर एम उसका मास है तो उसका वेट कितना हुआ, एमजी, जो कि डाउनवर्ड रहेगा। और ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है तो इसका वेट mg रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्या कहानी है। हमने पढ़ा है न्यूटन लॉज में कि ये अगर इसको ऐसे प्रेस करा लिफ्ट को नीचे, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर इसके नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा r, नीचे mg एक्शन, ऊपर रिएक्शन, तो उसको r बोल दिया मैंने, रिएक्शन का फोर्स है वो। और ये लिफ्ट भी ऊपर तरफ मूव कर रही है, तो पहली सिचुएशन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं व्हेन लिफ्ट moves upward with acceleration a, किसी a acceleration से वो lift ऊपर की तरफ move कर रही है। तो बच्चों अब इस पहले सिचुएशन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये जो इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका जो अपवर्ड फोर्स है वो इस mg से कैसा है, ज्यादा है। भाई r इस mg से ज्यादा है तभी तो ऊपर तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है r, दैट r इज बेसिकली ग्रेटर, दैट्स वाई r माइनस mg। इसलिए हमें r में से mg को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि r बड़ा है। और r बड़ा क्यों, ये हमें कैसे पता लगा कि r बड़ा है, तो ऐसे ऊपर तरफ मूव कर रहा था। अच्छा अगर ये नीचे मूव कर रहा होता तो हम mg को बड़ा कहते भाई, क्योंकि mg बड़ा था उसको नीचे खींच के ले आया, यहां पे r बड़ा है उसको खींच के ऊपर ले गया। कितना बड़ा है r, तो इस r में से mg को माइनस कर देंगे तो जब बचा हुआ इतना बड़ा है वो r, यानी कि वो उतना फोर्स ज्यादा है। और फोर्स क्या क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू ma। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो किसके बराबर आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ये हमने सेकंड लॉ में पढ़ा हुआ है। तो यहां से r माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो r इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज m, यहां से g प्लस a, क्योंकि ये mg उधर गया होगा, m कॉमन आ गया, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस a, यानी कि g प्लस a। पहले कितना था वो g, यानी कि mg, अब कितना हो गया वो mg प्लस a, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है। इसलिए जो उस बंदे को लिफ्ट में बैठा हुआ है ऊपर की तरफ, तब लिफ्ट चलेगी तो अपना वजन बढ़ा हुआ फील होगा, यानी कि इंक्रीज्ड ऑफ मास और वेट इंक्रीज्ड, वेट उसको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, अपरेंट वेट उसको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि मेरा वजन बढ़ गया है, तो ऊपर तरफ जाएगा। तो बिल्कुल, और ऐसा फील भी कर सकते हो आप वेटिंग मशीन पे खड़े हुए हैं, वेटिंग मशीन है ये, मान लीजिए कोई भी एक वेटिंग मशीन ऐसा, ये इसको मैं वेटिंग मशीन कह रहा हूँ, ये वेटिंग मशीन है, इस पर आप खड़े हुए हैं, तो इस वेटिंग मशीन के अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं, जितना आप स्प्रिंग को दबाएंगे उतना ही क्या होगा, उतनी ही वो सुई आपको बताएगी कि हाँ आप में इतना वजन है। अब ये इस तरीके से था पूरे का पूरा, यानी कि यहां पे वेटिंग मशीन थी, आप इसके ऊपर ऐसे खड़े हुए तो क्या हो? आपने इसको ऐसा दबाया, उसने बताया इतना वेट आपका है, स्प्रिंग इतना दबा।
अब ये लिफ्ट अब नीचे से, क्योंकि लिफ्ट पर रखी हुई है मशीन, अब ये लिफ्ट जैसे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इस लिफ्ट ने इस नीचे वाले पार्ट को दबा दिया, तो नीचे वाले पार्ट को दबा तो क्या हुआ, स्प्रिंग थोड़ा सा और दबा, और अब तब स्प्रिंग थोड़ा सा और दबा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि उस वेटिंग मशीन ने उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा बताया, और वो जो ज्यादा बताया वेट वो कब बताया, तब लिफ्ट ऊपर चली, इसका मतलब लिफ्ट का ऊपर चलना उसके वेट में, यानी कि वेटिंग मशीन में उसका वेट ज्यादा आना, दैट मीन्स ये एक्चुअल में उसका वेट नहीं बढ़ा, लिफ्ट के ऊपर चलने से ऐसा मशीन को फील हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, और ऐसा हमें भी फील होता है कई बार कि हाँ वजन बढ़ गया है, थोड़ा सा हैवी भारी ऐसा फील होता है, तो तब भी लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी, उस कंडीशन में ये सिचुएशन आएगी और वेट उसका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एम जी प्लस ए। अब हमेशा के लिए याद रखेंगे कि कोई भी लिफ्ट ऊपर तरफ मूव करिए तो उसका नॉर्मल एक्शन का क्या इक्वेशन बनेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट क्या, मान लीजिए लिफ्ट नीचे की तरफ चल रही है भाई, बहुत अच्छी बात है, लिफ्ट नीचे मूव कर रही है, और अगर ये लिफ्ट नीचे मूव कर रही है तो क्या, तो इसका मतलब, अब सर आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है, मैंने लाइन तो लिख लूं यार मैं, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, डाउन की स्पेलिंग, हाँ डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तब वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है लिफ्ट, तो क्या, तो भाई आपने गुरुदेव बताया था कि एम जी माइनस आर करिएगा और जो बचा हुआ इनका डिफरेंस है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो बचा हुआ फोर्स किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा, कमाल की बात है, तो लिख देते हैं। अब यहां से हम देखें आर निकालना चाहते हैं हम लोग, तो आर कैसे निकाले, तो या तो आप इसको ऐसे इधर ले आइए, मतलब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, है ना, तभी तो कंपेयर करेंगे हम यहां से, क्योंकि यहां पे हमने R निकाला था, तो इस R को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, सिंपल शब्दों में कहें तो M कॉमन और दैट इज G माइनस ए, ये यहां से नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला बनकर हो गया तैयार, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की बात हुई। किस कंडीशन में, तब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो लिफ्ट के नीचे जाते समय हम लोगों को पता लगा कि जो R है दैट R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, और यहां पे जो G है ये कम हो गया, यानी कि ग्रेविटी में से कुछ वैल्यू कम हो गई, तो उसका मास एम जी, उसका वेट एम जी नहीं रहा, कैसा हुआ, थोड़ा सा कम फील हुआ, दैट मीन्स वॉट, जो उसका वेट है दैट वेट फील वॉट, वेट फील्स डिक्रीज्ड, वजन उसका कम प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा जैसे वजन उसका कम हो गया है, तो ये वाली सिचुएशन यहां पर हमने वेट डिक्रीज वाली स्टडी कर ली भाई, तब वो नीचे चल रहा था। अच्छा, अब ऐसा मन कर रहा है नहीं चल रही लिफ्ट, रुका हुआ है, बता अब क्या होगा, चलो भाई इसको बता देते हैं, यहां लिख दूं क्या मैं आपको, ये पूरा पार्ट नीचे का दिखाई दिया था क्या, हाँ आपको सब चीजें दिखाई दे रही है भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब ये लिफ्ट रुकी हुई है, यानी कि एट रेस्ट, थर्ड पार्टी लिख देना चाहिए मुझे, तीसरा पॉइंट एट रेस्ट, या मूव्स यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे चल रही है, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, सर जिंग नीचे गिर रही है वो, तो नीचे गिर नहीं रही, मतलब नीचे किसी वेलोसिटी से चल रही है बट यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी का नहीं बदलना, एक्सेलेरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो, यूनिफॉर्म से चल रही है, तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलेरेशन क्या हुई, जीरो। अब अगर वो या तो चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से, या तो वो रुकी हुई है, दोनों ही कंडीशन में ए क्या होगा, जीरो, और अगर ए जीरो हुआ तो क्या, तो सिंपल है यार, जितना उसने नीचे दबाया उसने उसको प्रेक्ट किया, दोनों के दोनों बराबर, ना वो नीचे चल रहा ना ऊपर चल रहा, और नीचे चल ऊपर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ए की वैल्यू खत्म है, यहां से ए की वैल्यू जीरो तो एम जी बचा, यहां से ए की जीरो तो क्या भी एम जी बचा, और अगर नहीं चल रहा है तो भी आर इज इक्वल टू क्या बचा, एम जी ही बचा, कमाल की बात, आप समझ गए मेरी बात, आर इज इक्वल टू एम जी कहां से आया, तब ये लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो ए जीरो होता चला गया दोनों में, और ए जीरो हो गया तो आर इज इक्वल टू एम जी रहता है। यार एक बात और नहीं कर ले, फ्री फॉल हो गया मान लीजिए, ये चौथी सिचुएशन में यहां लिख ले, ऐसे दिमाग में आ गई मेरे, अभी ये अगर फ्री फॉल हो जाता है, फ्री फॉल से क्या मतलब कि ये बाय द वे रस्सी टूट गई, लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट ऐसे नीचे गिर रही, आप भी नीचे कर रहे हैं भाई साहब, चिल्ला रहे हैं आप, जो भी हो रहा है दैट व्हाटएवर, बट वहां पर आपको कैसा प्रतीत होगा, अरे कैसा प्रतीत होगा भाई, वेटलेसनेस, आपको वेटलेसनेस वाली फीलिंग आएगी, यानी कि आप उस पर
टिके हुए ही नहीं होंगे, नॉर ऑन नॉर्मल रिएक्शन, नो एमजी, आप इधर कर रहे हैं, लिफ्ट इधर कर रही है, सब चीजें फ्री फॉल हो रहा है, तो यहां पर आपको वेटलेसनेस वाली फील आती है अगर अगर फ्री फॉल की सिचुएशन आ जाती है तो। तो मैंने आपको लिफ्ट की कंडीशन में सारी बातें बताई कि अगर लिफ्ट अपर मूव करे तो क्या होता है, एक्सलेट करे, डाउन एक्सलेट करे तो क्या हो, ना एक्सलेट करे तो क्या हो, यूनिफॉर्मली मोशन से वाला एसोसिएशन चले तो क्या होगा, फ्री फॉल हो जाए तो क्या होगा, लिफ्ट से एलिवेटर से रिलेटेड हर एक बात आपको अब समझ आ गई है। इसके क्वेश्चन हम वीडियो वगैरह बना बना के समझा के ये इक्वेशन हम अप्लाई करके यूज करके अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि अब बहुत मुश्किल वाला काम बचा हुआ नहीं है कि यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो पूरी पूरी सिचुएशन है, मैं हर एक टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, आप भी प्लीज सारी चीजों को समझे पहले ढंग से, समझ के उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उस पर आप अप्लाई करें, इनको अप्लाई करें। अरे अप्लाई से मुझे याद आया कि अगर आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो अप्लाई से आया अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स, अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स एक चैनल है उस पर विजिट करिएगा, वहां पर मैंने इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस अप्लाई करके, अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व किए हुए, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे करते हैं मुलाकात, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अगला टॉपिक, अगली चीज हम आपको सीखेंगे सिखाएंगे, और तब तक के लिए खुश रहिएगा, थैंक यू वेरी मच।